हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज संडे है और मैं अभी अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के 12:30 बजे से, और मैं यहाँ पे अपने लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ बना रही हूँ भरवा बैगन, जिसे कुछ लोग बैगन की कलौंजी भी कहते हैं। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने प्याज को पीस लिया है मिक्सी ग्राइंडर में और उसमें कुछ सूखे मसाले डाल रही हूँ, जैसे खटाई, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और चाट मसाला। थोड़ा सा सब कुछ मिक्स करके मैं इसके फिलिंग की तैयारी कर लूँगी, जो कि हमें बैगन में फिल करना है। तो बस मेरा ये जो फिलिंग है वो तैयार हो गई है, और मैं अपने ये छोटे छोटे जो बैगन हैं इसको मैं लेकर धुल करके मैंने इसको अच्छे से काट लिया है, और मैं आपके सामने देखिए कट कर रही हूँ। इसमें हमें बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए कहीं कोई कीड़ा या कुछ और तो नहीं है। तो मैं इसमें 2 कट लगाऊंगी, जिससे अच्छे से मैं फिलिंग भी फिल कर सकूंगी और मैं कीड़े को भी देख लूंगी, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है तो पता नहीं कीड़े हैं तो बहुत नुकसान कर सकता है, तो हमें अच्छे से उसको देख लेना चाहिए। तो मैंने इसमें 2 कट लगा करके अपने सारे बैगन तैयार कर लिए हैं, और जो मैंने वो फिलिंग बनाई थी अब वो मैं इसमें अच्छे से फिल कर दूंगी। तो ये देखिए, मैं इसको अपने हाथ की हेल्प से करूंगी, वो ज़्यादा अच्छे से फिल हो जाता है। अगर आप कंफर्टेबल हैं स्पून से या फिर कैसे भी, तो आप वैसे फिल कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग इसको ज़रूर एक बार अपने घर पर ट्राई करिएगा। तो इसको आप बना करके 2 से 3 दिन अपने फ्रिज में एयर टाइट बॉक्स में रख भी सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ 5 बैगन ही लिए हैं, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, ये भी पीहू को ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो बस मैं इसको बना करके अपनी फ्रिज में रख दूँगी, और ये एक दिन आज खाएंगे हम और एक दिन कल चल जाएगा। दाल और सब्जी के साथ भी अच्छा लगता है। तो कभी आपका मन नहीं है कुछ बनाने के लिए तो आप इसको फटाफट निकाल करके थोड़ा गर्म करके दाल के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। तो बस मैंने तेल गर्म कर लिया है और ये बैगन डाल करके इसमें जो बचा हुआ मसाला था इसके ऊपर डाल देंगे, जिससे बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा, और भुनने पर ये बहुत अच्छी स्मेल देता है। इसकी फ्रेग्रेंस एरोमा जो आता है बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने खाने में जो भी ऑयल या फिर तेल यूज़ करते हैं वो थोड़ा कम यूज़ किया करें, क्योंकि ऑयली फूड हमें खाने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन ये बहुत नुकसान करता है हमारी हेल्थ के लिए, अच्छा नहीं होता है। तो मैंने यहाँ ज़्यादा तेल नहीं यूज़ किया है, थोड़ा सा तेल डाल करके ही मैंने इसको अच्छे से पका लिया है ढक करके। अब इसे खोल करके मैं पलट दूँगी, जिससे ये सब तरफ से अच्छे से पक जाएगा, और इसको मैं अच्छे से ढक दूँगी जिससे कि जो उसी में ये पकता रहेगा। तो ये 15 से 20 मिनट धीमी आंच में पकेगा, और फिर इस समय इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। जब तक हमारे बैगन यहाँ पक रहे हैं तो मैं जल्दी से अपनी किचन की जो स्लेप है उसको साफ़ कर लूँगी, और फिर मैं आटा लगा दूँगी, और आज मैं बनाऊँगी कढ़ी, तो मैं कढ़ी की भी तैयारी कर लूँगी। तो देखते रहिए पूरा व्लॉग। और हाँ, मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। तो बस फिर मैंने देखिए बैगन यहाँ पक रहे हैं, और मैं इनको फिर से एक बार पलट दूँगी और अच्छे से इसको चला लूँगी, और अब मैं बनाती हूँ कढ़ी। तो कढ़ी की चलिए मैं तैयारी कर लेती हूँ, तब तक ये और अच्छे से पक जाएंगे। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। इसके लिए मैंने ये दही लिया है जो 2-3 दिन से रखी हुई थी, और मौसम ऐसा था कि घर पे कोई भी कढ़ी खा नहीं रहा था, तो वो रखे रखे बहुत ही ज़्यादा खट्टी हो गई थी। तो अब मैंने इसको अच्छे से मथनी से बिलो लिया है, और मैं इसमें सूखे मसाले डाल दूँगी, जैसे कि हल्दी है, नमक है, मिर्च है, और मैं इसको अच्छे से चला करके फिर बना लेती हूँ। ये देखिए मेरे यहाँ पर बैगन भी बन चुके हैं, मैंने इसको निकाल लिया है बाउल में, और कढ़ी छौंकने के लिए मैंने यहाँ पे प्याज, लहसुन और करी पत्ता ये सब निकाल लिया है। कढ़ाई मेरी वही वाली है, बैगन वाली ही, तो मैंने इसमें बस ऑयल थोड़ा सा डाल करके मैं इसमें
डालूंगी मेथी दाना, और सरसों मैं भूल गई, उसकी जगह मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, तो आप सरसों राई दाना भी डाल सकते हैं। और फिर अब मैं जो मैंने बैटर बनाया था दही वाला, सॉरी पहले मैं इसमें प्याज और लहसुन अच्छे से फ्राई कर लूंगी। मैंने ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया है, बट कढ़ी जो मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, और मैंने जब कढ़ी हम लोगों ने खाया तो वो काफ़ी अच्छी बनी थी। तो आप लोग भी ऑयल थोड़ा कम यूज़ किया करिए, खाने अच्छा बनेगा खाना। खाने में ऐसा कुछ नहीं है, तेल ज़्यादा डालो तभी बहुत अच्छा खाना बने। और देखिए इस बीच में बारिश भी बहुत तेज़ आ गई, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ कि देखिए यहाँ पे बारिश हो रही है, तो काफ़ी तेज़ बारिश इस समय हो रही है, तो मैंने सोचा चलो आपको भी थोड़ा ठंडा ठंडा फील करा देते हैं। तो बस ये मेरा यहाँ पे प्याज लहसुन अच्छे से भुन गया है, और अब मैं इसमें जो मैंने वो बैटर बनाया था दही वाला, वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं एक बात और बोल दूँ, मैं कोई प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ। जो मुझे डिश आती हैं, जो मैं मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने आटा भी सान लिया था, तो रोटियाँ भी मैं साथ के साथ बना रही हूँ, और ये चावल मैंने कुकर में रख दिया है सीटी लगने के लिए, तो मेरी कढ़ी भी बन गई है, बैगन फ्राई भी बन रहे हैं, और मैंने पकौड़ियाँ पहले ही तल के रख ली थी कढ़ी में डालने के लिए, बेसन और प्याज की पकौड़ी, तो वो बहुत अच्छी लगती है। मैंने एक कोफ्ता कढ़ी की भी रेसिपी अपने चैनल पर डाली है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर एक बार देखिएगा। बहुत ही टेस्टी कोफ्ते वाली कढ़ी लगती है, लौकी के कोफ्ते की कढ़ी, तो ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने अगर बनाया तो कैसी लगी। अब मैंने यहाँ पे पकौड़ियाँ डाल दी है, और मैं इसको अच्छे से मिक्स करके और पकाऊंगी, क्योंकि कढ़ी को जितना ज़्यादा पकाओ उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनती है। तो बस हमारा खाना तैयार है, कढ़ी, चावल, रोटी और भरवा बैंगन। आइए आप भी खा लीजिए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ खाना खा के, और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने अपना क्या बात बताई कढ़ी के बारे में। कढ़ी कैसी बनी है? बहुत अच्छी। वैसे तो आपको कढ़ी पसंद है? हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जो ये बैगन बने हैं वो एकदम क्या कहते हैं उसको, करेले की तरह बने, मतलब अच्छे बने। हाँ। तो अभी हम लोगों का लंच हो गया है, और देखिए बारिश ख़त्म हो गई है, मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए अभी भी बादल तो हैं यहाँ पे, कभी भी पता नहीं होता, कभी भी बारिश हो सकती है। तो मैं अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं, और पीहू को हम लोग डॉक्टर के यहाँ लेकर के आए हैं, क्योंकि पीहू को फीवर आ रहा था 2-3 दिनों से। मैं घर पे दवा दे रही थी, होम रेमेडीज़ कर रही थी। एक्चुअली यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा मतलब बारिश और सर्दी गर्मी का हो रहा है, तो बच्चों को सर्दी जुकाम हो ही जाता है। तो मैं हम लोग यहाँ डॉक्टर को दिखाने आए थे, तो डॉक्टर को पीहू को डॉक्टर ने बोला था आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, तो वही पीहू का ब्लड टेस्ट हो रहा है। जब इसको सुई की सिरिंज लग रही थी तो मेरे को तो बहुत रोना आ रहा था, बट पीहू बहुत स्ट्रांग है, उसने बिल्कुल भी कुछ रोई भी नहीं वो। तो बस वही मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट कर ली थी कि मैं आप लोग को दिखा दूंगी कि ऐसा ऐसा हो गया है, क्योंकि अब बिल्कुल मन भी नहीं लग रहा है। जब बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती है तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो बस मैं अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर पर, और फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ जब मैं थोड़ी फ्री हो जाऊँगी पीहू से तब। वेलकम बैक टू माई चैनल, और जैसा कि आपने देखा सुबह से मैंने आपको आफ्टरनून से अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, और मैंने दिखाया कि आज मैंने लंच में वो भरवा बैगन, कढ़ी चावल, रोटी बनाया था, तो खाना तो काफ़ी अच्छा बना था। और फिर खाना खा के बस हम लोग ऐसे ही बैठे थे, तो मैंने देखा कि एक्चुअली अभी ना 4-5 दिनों से पीहू को, 4-5 दिनों से नहीं, हाँ 3-4 दिनों से पीहू को ना बार बार फीवर आ जा रहा था। तो मैं सोच रही थी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि मौसम यहाँ चेंज हो रहा है, बारिश है, सर्दी जुकाम होता है तो फीवर आ ही जाता है। तो जुकाम तो मैंने इसका होम रेमेडीज़ से ठीक कर दिया था, मतलब कि घर पे जो रेमेडीज़ मैं करती हूँ उससे कोल्ड तो इसका ठीक हो गया था, लेकिन जो फीवर था ना वो बार बार ही आ जा रहा था, मतलब बार बार फीवर आ रहा था, हर 4-6 घंटे में फिर फीवर आ जा रहा था। तो 2-3 दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो अब इसको, बहुत कस के फीवर था, तेज फीवर था, तो मैंने सोचा चलो अभी पीहू को जल्दी से चल के डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो अचानक से फिर हमें डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा, जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको दिखाया कि हम लोग लंच कर रहे थे, लंच करे और ये खाना सबसे अच्छा खा लिए, और कढ़ी अच्छी बनी थी। फिर मैं, आपने देखा, मैं पीहू को आपको कॉल आ गया था, तो मैंने
वो फिर हम लोग ने पीहू को डॉक्टर के यहाँ दिखाया। उसका डॉक्टर ने कहा एक ब्लड टेस्ट करा लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ वायरल तो नहीं है, बट अभी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट 4 घंटे में आ गई थी और अभी टाइम हो रहा है, रात के 8 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ और ये व्लॉग भी फिनिश कर देती हूँ। तो बस जब फिर मन नहीं होता ना व्लॉगिंग करने का, जब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती है, तो बस यही था। और अभी होपफुली जल्दी से पीहू ठीक हो जाएगी और बस मन नहीं था। और हाँ, मैं को पीहू को देख करके बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था क्योंकि मैं तो अपने ही इंजेक्शन नहीं लगवा पाती हूँ और एक छोटे से बच्चे को जब इंजेक्शन लगता है, मतलब पीहू को तो इंजेक्शन भी नहीं लगवा, मैं देख नहीं सकती हूँ, वो उसके डैडी ही देखते करवाते हैं, मैं तो हट जाती हूँ बस। लेकिन मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया कि एक पता चले कि ऐसा पीहू बिल्कुल स्ट्रांग थी, वो बिल्कुल रोई नहीं। और जब सिरिंज लगी ना होने के लिए, ब्लड निकालने के लिए, तो बिल्कुल भी रोई नहीं। मुझे दर्द हो रहा था कि पीहू को कितना दर्द हो रहा होगा, लेकिन अच्छे से उसने सब कुछ करा लिया। फिर हम लोग घर आ गए, उसको दवा ववा मैंने दे दिया है, तो सब ठीक है, अब ठीक हो जाएगी। 1-2 दिन में डॉक्टर ने बोला है, 2-3 दिन लगेंगे, ठीक हो जाएगा। तो चलिए बस ये व्लॉग मैं यहीं पर फिनिश कर देती हूँ, मिलती हूँ आपको एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।